आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा आईटेल S23 प्लस फ़ोन है, तो आईटेल S23 प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कैसे कर सकते हैं अपने आईटेल फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन से शो हो रहे हैं इस तरीके से, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना होगा और क्लिक करते ही फ़ोन सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में टच साउंड एंड टच वाइब्रेशन से तो ऑफ कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आपको साउंड एंड वाइब्रेशंस पे जाना है सबसे पहले। तो इस पे जाकर सबसे पहले आपके पास सेटिंग्स आ जाएगी इस तरीके से। तो इसमें जो आपका साउंड वाइब्रेशन है ऑफ़ कैसे करेंगे, सबसे पहले हैप्टिक वाइब्रेशंस को ऑफ़ कर देना है, तो वाइब्रेशन आपके फ़ोन में शो नहीं होगा। फिर इसके बाद आता है हमारे पास साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग, जहाँ से आपका जो वाइब्रेशन है हमारे फ़ोन में सेट है, तो आप सिंपली यहाँ से ऑफ़ कर देंगे तो कोई भी वाइब्रेशन आपकी टच वगैरह पर शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से भी आप टच वाइब्रेशंस वगैरह को ऑफ़ कर सकते हैं, या सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस पे जाते हैं, इस पे जाकर आप टच साउंड को ऑफ़ कर पाएंगे। ऑफ़ करते ही जो भी साउंड वगैरह ऑफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ़ कर सकते हैं अपने आईटेल फ़ोन में। और सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी आप जा सकते हैं सेटिंग्स पे, आपको सर्च करना है टच साउंड, टच साउंड सेटिंग्स आ जाएगी जिसके जरिए आप टच साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से ऑन कर सकते हैं और ऑफ़ करते तो कोई साउंड शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ़ कर सकते हैं।